ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइज आज के इस एपिसोड में बात करेंगे WWE के रॉ ब्रांड के लाइव इवेंट के बारे में जो कि था मिनियापोलिस में। यहाँ में देखने को मिला एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच जो कि था द मिज एंड ब्रॉक लेसनर के बीच। इसके अलावा काफी बड़े सुपरस्टार इस लाइव इवेंट में फीचर थे इंक्लूडिंग रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, ब्रॉन स्ट्रोमैन, एलेक्सा ब्लेस। तो इस एपिसोड में कवर करेंगे वो सारे मैचेस और उनके रिजल्ट्स जो हमें शो के अंदर देखने को मिले। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। फर्स्ट मैच में देखने को मिला एक टैग टीम मैच जो कि था रिवाइवल वर्सेस हीथ स्लेटर एंड राइनो के बीच। जीत इस मैच में रिवाइवल की हुई। नेक्स्ट मैच क्रूजरवेट डिवीजन से जो कि था टीजे परकिंस वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर के बीच। जीत यहां पर हमें सेड्रिक अलेक्जेंडर की देखने को मिली। नेक्स्ट मैच एलायस वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच। मैच से पहले हमें एलायस का एक गाना बजाने का सेगमेंट देखने को मिला। उसके बाद आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन और इस मैच में आसानी से वो एलायस को हरा देते हैं। नेक्स्ट मैच रॉकी वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए जो कि था एलेक्सा ब्लिस वर्सेस बेली वर्सेस साशा बैंक्स के बीच। जीत इस मैच में एलेक्सा ब्लिस की हुई और उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को भी रिटेन कर लिया। अगला मैच कर्ट हॉकिंस वर्सेस गोल्डस्ट की भी। जीत यहां पर हमें गोल्डस्ट की देखने को मिली और इसके बाद अपोलो क्रूज भी अपने हाथ कर्ट हॉकिंस के ऊपर साफ करते हैं। नेक्स्ट मैच हमें देखने को मिला रॉकी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए जो कि था रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस शेमस एंड सिजारो के बीच। जीत इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन से रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस की। हालांकि यहां पर कोई भी टाइटल चेंज नहीं हुआ लेकिन लास्ट में फिर भी रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस ने अपने फिनिशर शेमस एंड सिजारो को लगाए। नेक्स्ट में देखने को मिलता है चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच जो कि था ब्रॉक लेसनर वर्सेस मिस के बीच। इस मैच में एक तरह से ब्रॉक लेसनर की हमें तबाही देखने को मिली। जैसे कि हमने लास्ट लाइव इवेंट में देखा था काफी जल्दी ब्रॉक लेसनर ने मैच को खत्म कर दिया। यहां भी हमें ऐसे ही कुछ देखने को मिला जब सबसे पहले ब्रॉक लेसनर ने मिस को सुप्लेक्स लगाया। उसके बाद बो डैलस एंड कर्टिस एक्सेल मैच में आते हैं और उनको भी यहां पर ब्रॉक लेसनर सुप्लेक्स लगाते हैं। फिर वो मिस को भी सुप्लेक्स लगाते हैं और उसके बाद एक एक करके तीनों ही सुपरस्टार को लगाते हैं F5 और उसके बाद मैच हो जाता है खत्म। अब उसके बाद बीच में रेफरी भी आते हैं, वो रोकने की कोशिश करते हैं ब्रॉक लेसनर को और इसका शिकार फिर यहां पर ब्रॉक लेसनर अपने रेफरी को भी बनाते हैं और वो लगा देते हैं रेफरी को भी एक F5। तो गाइस इसी रॉ के लाइव इवेंट से जुड़ी क्विक अपडेट। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर करना। कमेंट करके आप मुझे बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE की अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।